नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब नजर करते हैं खबरों की तरफ। तो खबर आजमगढ़ से है, जहां थाना फूलपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ मिली है। आपको बता दें तो एसपी अनुराग आर्य के निर्देश पर जिले भर में वांछित गतिविधियों पर लगाम लगाए जाने के क्रम में पुलिस मुठभेड़ में गैंगस्टर एक्ट में वांछित 50,000 रुपए के इनामिया हिस्ट्री सीटर D34 गैंग का सदस्य गो तस्कर सातिर अपराधी दिलसाद घायल हो गया है। वहीं आपको बता दें उसको पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। अवैध तमंचे व कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। पूर्व की घटना आपको बता दें तो 8/3/2023 को तत्कालीन थाना प्रभारी अहरौला योगेंद्र बहादुर सिंह महमराय द्वारा चेकिंग के दौरान शाहपुर के पास से एक ट्रक पर लदे 5 राशि गौवंश व अवैध असलहा एवं कारतूस के साथ अभियुक्त दिलसाद पुत्र शमसाद निवासी खुराशो चकसा काफी थाना फूलपुर आजमगढ़ को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में अभियुक्त सलमान पुत्र फिरोज निवासी पिथारपुर थाना अरौला जनपद आजमगढ़ व तालीब पुत्र मोहम्मद तालीब उर्फ छोटू का नाम प्रकाश में आया था कि संबंध में थाना अरौला पर मुकदमा संख्या 61/2023 धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम 11 पशु क्रूरता अधिनियम बनान 3 नफर पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में पुलिस मुठभेड़ में गैंगस्टर एक्ट में वांछित 50,000 रुपये के इनामिया को पुलिस ने मुठभेड़ में घायल कर गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें तो यह हिस्ट्री सीटर D34 यानी कि D34 गैंग का सदस्य भी था और गो तस्कर का अपराधी भी था, जिसके कब्जे से अवैध तमंचा व कारतूस भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। इस पूरे मामले में क्या जानकारी दिए हैं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ने, आप सुनिए। थाना फूलपुर की पुलिस टीम द्वारा एक सफलता प्राप्त की गई है। कल रात्रि 11/12 की रात्रि में थाना फूलपुर ने एक हिस्ट्री शीटर 50,000 रुपये के इनामिया गौ तस्कर और डिस्ट्रिक्ट गैंग D34 के सदस्य दिलसाद पुत्र शमसाद को थाना फूलपुर की टीम ने पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया है। यह व्यक्ति के ऊपर लगभग 13 मुकदमे 2018 से पंजीकृत हैं। यह 2023 में एक गैंगस्टर के मुकदमे में वांछित चल रहा था। कल रात्रि में यह सूचना प्राप्त हुई कि व्यक्ति फिर से एक अपराध कारित करने की साजिश कर रहा है। जिस सूचना पर थाना पुलिस की टीम द्वारा नियमानुसार मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की गई। इसकी सूचना कोड़िया प्राइमरी स्कूल के पास होने की जताई जा रही थी, जिस पर पुलिस ने घेराबंदी की। घेराबंदी देखकर पुलिस की यह पुलिस पर फायरिंग खोल दी, जिसकी आत्मरक्षा फायरिंग में पुलिस ने जवाबी फायरिंग की और इसके दोनों पैर की घुटनों पर गोली लग गई है। इसको तत्काल उपचार दिया गया, प्राथमिक उपचार दिया गया और इसको फिर अस्पताल भर्ती कराया गया। इसके ऊपर 307 और आर्मसेट का मुकदमा लिखकर इसको माननीय न्यायालय से रिमांड प्राप्त कर जेल भेजा जा रहा है और इस सफलता के लिए थाना फूलपुर की पुलिस टीम को इनाम घोषित किया जा रहा है।